अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आपको गाजर का मुरब्बा बनाने की रेसिपी देती हूँ। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने ली हैं हाफ़ के जी गाजरें और हाफ़ के जी ही चीनी ली है, लीमू लिया है। जितनी गाजरें होंगी उतना ही चीनी का इस्तेमाल होगा। अगर 1 किलो गाजरें हैं तो 1 किलो चीनी लेंगे हम। मैंने हाफ़ के जी ली है गाजरें और हाफ़ के जी ही चीनी ली है। गाजरों को धो के छील लेंगे। गाजरों को मैंने काट लिया। अब सारी गाजरों में कांटे की मदद से इस तरह सुराख कर लेंगे ताकि इनमें शीरा अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अगर ज़्यादा मोटी गाजरें हैं तो उनके 2 टुकड़े कर लें। ये इस तरह सारी गाजरों में मैंने कांटे की मदद से सुराख कर लिए। चूल्हा ऑन कर लेंगे और 1 कप पानी इसमें डाल देंगे। चीनी शामिल कर देंगे। शीरा तैयार कर लेंगे। चीनी मेल्ट हो गई, अब गाजरें इसमें हम डाल देंगे। ढक्कन लगा के थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि गाजरें गल नहीं जाती। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे हम इनको। इसमें नींबू का रस शामिल कर देंगे। इससे चीनी में क्रिस्टल नहीं बनते, चीनी जमती नहीं है नींबू डालने से। ढक्कन हटा के अब हम गाजरें चेक कर लेंगे। गाजरें हमारी गल चुकी है। चाशनी भी हम इसकी चेक कर लेंगे। हम 1 तार की चाशनी अब बन रही है। अब चाशनी भी हमारी बन के तैयार है और गाजरें भी पक चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। गाजर का मुरब्बा बनके तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।